कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना को बड़ा झटका। महाराष्ट्र राजनीति रे ओलट पालट बहुत दिन धरी चली लुचकाली खेल समाप्ति घटी। बीजेपी सह हाथ मिलाइले एनसीपी नेता अजित पवार। एनसीपी रो बहु विधायकों को नहीं बीजेपी सह मिसी सरकार गठन करागला। राजभवन रे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करने बेले अजित पवार उपमुख्यमंत्री भाव शपथ ग्रहण करिसंती। बीजेपी समर्थक माने आनंद उल्लास सह खुशी मनाउछंती। आज दिन तमाम मीडिया रे एही खबर लगातार चलिबो। एबे सारा देश रे लोकंक मन रे अनेक गुड़े प्रश्न उठिछि। एमिति कोन घटिला जे राताराती महाराष्ट्र रु राष्ट्रपति शासन हटि सकाळु सकाळु बीजेपी दलीय नेता देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री भाव शपथ ग्रहण कले। विरोधी दल बहु लंबा समय धरी चर्चा करिवारु बीजेपी तार फायदा उठाइला। कोनो शरद पवार डबल क्रॉस कले कि मोदी को पवार भेटिबा परे सला सुतरा होइथिला कि आगामी दिन रे पवार राष्ट्रपति होई पारंते कि परदा पछर हीरो जनक किए। हिंदुवादी चिंताधारार दल शिवसेना मुख्यमंत्री पदवी लोभरे भूल कला कि राजनीति रे विचारधारा आ स्थान नहीं। एही बोली अनेक लोकंक मनरे विभिन्न प्रश्न को नहीं चर्चा चली। इतिमध्ये शिवसेना और एनसीपी एकाठी भावे सांबादिक सम्मेलन रे निजर मत रखिछंती। से जहाँ हेना कहीं आग को देखा जाऊ बीजेपी सदन रे बहुमत हासिल पई विधायकों समर्थन हासिल करि पारिबो ना नहीं। बीजेपी को शिकस्त देने के लिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस वोट आएगा उसमें हम तीनों पार्टी साथ है और बीजेपी को कॉन्फिडेंस वोट में हराने के लिए और उनको जो भी साथ दे रहे हैं उनको हराने के लिए हम लोग इकट्ठे होकर हमारे पूरे प्रयास होंगे। इतना ही नहीं बल्कि उनको शिकस्त देंगे। राष्ट्रवादी के अजित पवार ने जो निर्णय लिया है तो उनको बर्खास्त करने की मांग राष्ट्रवादी के पास करेंगे क्या, पहला सवाल। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप आज होने वाली थी वो फिर से होगी और बातचीत की जारी रहेगी। जहाँ तक पहला प्रश्न है, आज मीटिंग में हम लोग जब थे सुबह में यही बात हुई है और शरद जी ने स्पष्ट कहा है आज 4 बजे उनकी मीटिंग में मीटिंग जो है उसमें उनके खिलाफ जो एक्शन लेने हैं या उनका दूसरा लीडर तय करना है, व्हिप तय करना है, वो सारी चीज़ें तय की जाए।